नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। राजस्थान की सियासत में हम देख रहे हैं कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई जो है वो और भी ज्यादा दिलचस्प मोड पर पहुंच चुकी है, क्योंकि कांग्रेस अपनी तरफ से ये कोशिश कर रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अपने नेताओं को जो है वो मजबूती के साथ में आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बीजेपी में जो है अपनी मजबूती तो जरूर दिखाई दे रही है जमीनी स्तर पर, लेकिन उस मजबूती के साथ में आखिरकार जो है जंग में किस बड़े चेहरे को उतारे, उस चीज की कला अभी तक चल रही है, जिसमें सबसे बड़ा नाम जो है वसुंधरा राजे का निकल करके आ रहा है। वसुंधरा राजे के नाम को लेकर के चर्चा चल रही है, लेकिन उस नाम की चर्चा के बावजूद भी वसुंधरा राजे का एक बयान आ रहा है सामने, जिस बयान ने यहाँ पर बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी। आपको बता दें कि वसुंधरा राजे जो है अपने जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पर एक कार्यक्रम को जो है उन्होंने संबोधित किया था। उस कार्यक्रम के दौरान जब उनसे पूछा गया कि प्रदर्शन आप किसको संबोधित कर रहे हैं, तो उस प्रदर्शन के जरिए जो है ये कहा गया कि ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये दरअसल भक्ति प्रदर्शन है। अब उनके इस भक्ति प्रदर्शन वाले बयान ने जो है सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। जनता के सामने जो है ये सवाल जवाब खूब बढ़कर के सामने आ रहा है कि आखिरकार वसुंधरा राजे ने इस तरीके का बयान क्यों दिया, क्योंकि बीजेपी में जो है अभी भी इस नाम की खूब चर्चा है कि आखिरकार वसुंधरा राजे जो है क्या इस बार भी सीएम फेस के लिए आगे आती है, तो यहाँ बीजेपी को फायदा पहुंचेगा या नहीं। हालांकि हम देख रहे हैं कि हर बार जो है वसुंधरा राजे अपनी जीत दर्ज करती है, लेकिन हर 5 साल के बाद जो उनकी सत्ता गिरती है। इस बार मौका जरूर उनके पक्ष में नजर आ रहा है, लेकिन आने वाले समय में क्या सच में यही समीकरण बनेंगे या नहीं, ये कोई नहीं जानता। फिलहाल अभी की रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज पॉलिटिकल बाइट।